अर्धसैनिक, हम हैं अर्धसैनिक, हम हैं अर्धसैनिक। वंदे मातरम। जैसे कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के लिए, हम लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। आज हमारे पास सिवान से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर जिनको अलॉट किया है वो आए थे, पूरे दिन की ट्रेनिंग ली, और सबसे अच्छी बात है कि पहले से ही वह खाद बीज भंडार के विक्रेता हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अर्धसैनिक कैंटीन को 2 साल पहले उन्होंने देखा था, कैंटीन खोलना चाहते थे लेकिन कैंटीन नहीं मिली, लेकिन आज उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई। तो बहुत ही खुश थे कि मैं तो मात्र कैंटीन खोलना चाहता था, लेकिन हमने उसे जिले के अंदर सभी कैंटीनों में सप्लाई का मौका दिया। सिवान के अंदर अभी हमारी 10 कैंटीन है। इस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप सभी को बहुत ही आसान हो जाएगा सिवान में कैंटीनों को सप्लाई मिलना, सप्लाई चेन का जो चैलेंज है वो भी सही हो जाएगा। सिवान से आए मिस्टर अनुराग को मैं बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है डीडीसी खुलने के बाद सिवान बिहार में सप्लाई चेन और हमारे जवानों की जो समस्या है बहुत ही आसान हो जाएगी। हमारे डीडीसी सिवान के क्या विचार हैं, कृपया सुने, इसे शेयर भी करें, और इसके अलावा आपके एरिया में भी जितनी कैंटीन है उन्हें भी बताएं, ताकि वह भी इस तरह के डीडीसी के लिए या कैंटीन को, इस राशन से पेंशन की स्कीम को घर घर तक पहुंचाने में हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। अनुराग जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अर्धसैनिक वेलफेयर ऑफिस के अंदर दिल्ली में। आप सिवान बिहार से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दूर से भी आप यहाँ पर एक अपना डीडीसी जिला स्तर का एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर लेने आए हैं। अर्धसैनिक कैंटीनों के बारे में कब से जानते हैं और कितना जानते हैं ये बताएं। सर, अर्धसैनिक कैंटीन के बारे में हम 2 साल पहले से जानते हैं। अच्छा। मेरे यहाँ एक खुला था, वहीं पे हम सामान खरीदने गए थे जी। तो मेरे भी दिमाग में ये चीज आया कि मैं भी खोलूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, फिर धीरे धीरे सर पता किया तो यहाँ का पता चला। चलिए, वो तो एक अर्धसैनिक कैंटीन देनी थी, आज आपको मौका मिला है उन अर्धसैनिक कैंटीनों में सिवान जिला में सप्लाई करने का। आपको कैसा लग रहा है, ज्यादा बेहतर है या इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, उससे ज्यादा बेहतर ये है जी कि इसमें हमको आप ग्राहक के साथ दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर 10 कैंटीनों के साथ आपको मिल रहा है। आप हमारे फौजी भाइयों को सप्लाई करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से उन्हें प्यार मोहब्बत देंगे, किस तरह से, कितने दिन में सप्लाई देना चाहेंगे आप? हम बहुत जल्दी से सप्लाई देना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है। और आपको इसमें कोई ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं हमें? सर, इसमें सर राशन से पेंशन योजना है जी, ये हम हर किसी को बताना चाहेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सबको ही जाने इस बारे में। तो आप ये मानते हैं ना कि खरीदारी करते करते हमारी अर्धसैनिक कैंटीन से लोगों को पेंशन मिलने लगेगी, तो अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयोग है, इसमें लोगों को फायदा होगा कि नहीं? जी, बहुत फायदा होगा। आप बोले कितने सिवान के लोग इस पेंशन कार्ड को बनाना पसंद करेंगे? लगभग सर जितने भी एजुकेटेड लोग हैं लगभग 75% जी जरूर चाहेंगे कि ऐसे करें। कितनी ग्राहकों की संख्या हमारी बन सकती है सिवान के अंदर, आपके जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे आगे 10 के हर कैंटीन पे कितने कार्ड आप उम्मीद कर रहे हैं हम पेंशन कार्ड बना के अपना कैंटीनों का काम बढ़ेगा? सर, हर एक कैंटीन पे कम से कम 1500-2000 बनना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम तो बहुत बढ़ने वाला है, जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। तो कैसे करेंगे फिर इसे आप? सर, स्टाफ रखूंगा। अरे वाह, तो प्लानिंग है आपके पास, आपको ट्रेनिंग दे दी गई है, आपने सारा समझ लिया है। कोई ऐसी बात है जो आप समझना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? देखिए सर, जब तक मैं फिजिकली नहीं करूंगा पूरी तरह नहीं समझ पाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली जब करेंगे जो समस्या आएगी, हमारी हेल्पलाइन है, मैंने आपको पूरी टीम से मिला दिया है, मुझे उम्मीद है समस्या कोई आएगी नहीं। एक ही चीज मैं कहूंगा, हमारी जो राशन से पेंशन वाली स्कीम है ना, उसके लिए सभी को प्रोत्साहित करना, और साथ ही एक और मैं ऑफर अभी दे रहा हूँ आपको, अभ्यम स्टोर, अभ्यम कैंटीन स्टोर सिविलियन के हर गांव देहात में आप खुलवाना, रिकमेंड करना, ताकि 2-2 लाख के छोटे छोटे जब स्टोर खुलेंगे तो हमारी पेंशन की स्कीम घर घर तक पहुंचने में संभव हो जाएगा। तो इससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, और साथ में पेंशन कार्ड भी बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा, आपका जो अनुभव है खाद बीज भंडार का, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ हम जल्दी ही खाद बीज भंडार को भी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इस राशन की पेंशन योजना तक जोड़ेंगे। मतलब खाद खरीदो और पेंशन पाओ, एक तरह से ये हम नारा भी लगाने वाले हैं, खाद बीज कैटल ये भी हम खरीदेंगे और इसके ऊपर भी हम किसान को पेंशन का फायदा देने वाले हैं।
क्या लगता है कि इस तरह की योजना भी क्या गांव देहात के किसानों को पसंद आएगी? जी बहुत किसानों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सर उन लोगों ने सरकार 400 रुपए महीने देती है जी, तो उसके लिए वो बेचारे बैंक में दौड़ते रहते हैं। ठीक है, अब इससे अच्छा उन लोग को पेंशन मिलने लगेगा जी जी, तो और इसमें ध्यान दे के आएंगे। तो मतलब कुल मिला के 60-65 महीने किसान अगर हमारे से खाद बीज भंडार खरीद लेता है तो उसके बाद उसकी कोई 10-20 हजार रुपए 15 हजार या जो भी उसकी खरीदारी के हिसाब से 5-10-20-25 पेंशन अगर जीवन पर्यंत लग जाए तो किसान के घर में सुख होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। तो आपका साथ मुझे उम्मीद है हमेशा मिलता रहेगा जी। कोई ऐसी परेशानी कोई आप रिकमेंड करना चाहे हमारे लिए कि जो हम अर्धसैनिक कैंटीनों की तरक्की के लिए करें? नहीं सर, अभी तो इसमें मैं शुरू किया हूँ जी, अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं पूछूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ सिवान जिला में आपका काम बढ़े और आप सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद भाई।